हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिक बैच जुनून जीत में नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। आज हम हर टाइप के क्वेश्चन यूनिट डिजिट में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या है। जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 3 4 8 है, यानी जो ये 8 है ये क्या है, आपका इकाई अंक यानी क्या है, यूनिट डिजिट है। इसी को यूनिट डिजिट बोला जाता है। क्लियर है। जैसे मैं कह दूं कि फ्रेंड्स क्या है, 2 3 4 प्लस क्या है, 4 5 2 है। क्लियर है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो मुझसे यूनिट डिजिट पूछेगा, तो 4 और 2 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6। यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6, इसको पूरा ऐड करने के बाद। क्लियर है। तो यानी मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है। जैसे मैं आपसे एक बात और एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मैंने ले लिया 7 8 9। क्लियर है। माइनस का मैंने ले लिया, माइनस का 3 4 6। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। तो यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मैं तिकात एग्जांपल की और बात करता हूँ, जैसे मैंने 2 3 ये जो है कितना ले लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ले लिया, माइनस का 1 4 8 है। तो अब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से एक कैरी ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, कैरी ले जाएंगे। तो 14 हुआ, 14 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। एक आध एग्जाम्पल मैं और लेता हूं कि जैसे फ्रेंड्स 2 3 4 × 6 7 2 × 9 8 7 × 3 4 8, यही है। तो मुझे देखिए यूनिट डिजिट से मतलब है। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे इससे 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 और इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 7 56, 56 की 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 6। और फिर 6 8 कितना हो जाएगा, 48, 48 से कितना आ जाएगा, 8। यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट है क्या। लेकिन आज मैं जो आपको सिखाऊंगा फ्रेंड्स, कि कोई भी संख्या दिया है, कोई भी संख्या आपको नंबर दिया रहेगा, उसकी पावर जो भी हो उसका यूनिट डिजिट मैं आज आपको निकालना सिखाऊंगा। किसी भी संख्या की पावर n है तो उसकी जो पावर होगी यानी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कैसे निकालेंगे, अगर आपके पेपर में आएगा तो। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम यूनिट डिजिट में सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिसिटी वन की। साइक्लिसिटी वन की बात करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, साइक्लिसिटी वन किन किन संख्या का होता है, 0 1 5 और 6। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए फ्रेंड्स, कोई भी संख्या है अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है, 0 है, उसकी पावर कुछ भी है, तो उसका जो यूनिट डिजिट यानी उसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मैं कह दूं 120 है, इसकी पावर आपको कितना दिया है, 340, कुछ भी दिया है, इसका मतलब होगा फ्रेंड्स क्या, जानते हैं आप, 120 × 120 × 120 × 120 × डॉट 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 कितनी बार, इंटू 340 बार होगा। कितनी बार होगा, 340 बार। तो मुझे यूनिट डिजिट से मतलब, देखिए फ्रेंड्स, 0 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आता चले जाएगा, तो इसका मतलब इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही सेम कंडीशन फ्रेंड्स 1 में होगी, कि यानी कोई भी संख्या है अगर यूनिट डिजिट में 1 है, उसकी पावर कुछ भी है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, आपकी कोई भी संख्या है अगर यूनिट डिजिट में 5 दिख गया, तो इसका मतलब उसका पावर n कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स 6 वाले केस में भी है, यानी यूनिट डिजिट में 6 है, पावर कुछ भी है, तो इकाई अंक की पावर 6 ही हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा कोई भी एग्जांपल जैसे मैं कह देता हूं कि फ्रेंड्स, आप लोग 345 की पावर आपको दे देता है 243, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, तो आप इसको देखते ही यूनिट डिजिट में, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5 है, तो आप देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, 345 × 345 × 345 कितनी बार होगा, 243 बार होगा। आई होप कि आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। क्लियर है। कुछ भी संख्या देता है फ्रेंड्स, आप लोग जैसे मान लीजिए दे देता है 191 की पावर कितना दे दे, 199 में इकाई का अंक बताइए, तो आप देखते ही बता देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड, जैसे 236 है, इसकी पावर दे देता है आपको 402। आपसे पूछता है इकाई अंक पे 6 है, आपसे पूछता है कि इसका, इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 236 की पावर 402, अगर यूनिट डिजिट में 6 है, तो फ्रेंड्स आपको देखते ही टिक कर देना है, क्या हो जाएगा, 6। क्लियर है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, किन किन संख्या की साइक्लिसिटी 1 हो, साइक्लिसिटी 1 का मतलब होता है पुनरावृत्ति। क्या होता है फ्रेंड्स, पुनरावृत्ति, इस बात का ध्यान देना, यानी 0 1 5 6 अगर ये यूनिट डिजिट में दिखते हैं
है, इनकी पावर कुछ भी हो, तो आप डायरेक्ट सीधा यही ऑप्शन जो है आपको टिक कर देना है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, साइक्लिसिटी टू की बात करते हैं। तो किन किन संख्या की साइक्लिसिटी टू होती है फ्रेंड्स? 4 और 9 की। तो सबसे पहले अगर हम संख्या 4 की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, 4 की पावर 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा। ऐसे फ्रेंड्स 4 की पावर 2 करेंगे तो देखिए 4 चौके 16, 16 के यानी क्या 6, यानी यहाँ फ्रेंड्स मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। अगर फ्रेंड्स ऐसे ही मैं 4 की पावर 3 करूँ तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 यानी 4। इसी में गुणा करते चले जाइए, 3 बार गुणा करेंगे। ऐसे ही 4 का मैं 4 बार गुणा करूँगा तो देखिए यहाँ 4 चौके 16 यानी कितना आ जाएगा? 6। ऐसे ही फ्रेंड्स 4 की पावर में 5 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा यहां पे? 4। ऐसे ही 4 की पावर 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। यानी यहां पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, पहले 4 यहां पे था, अब 4 यहां पे है, यानी 1 के बाद कहां पे आया? 3। यानी कितने का गैप है? 2 का। अब यहां पे देखिए 3 के बाद कहां पे है फ्रेंड्स? 5 पे है, तो यानी 2 का गैप है, यही हमने आप लोगों को कहा। यहां पे देखिए 6 2 के बाद 4 पे है, तो यहां भी 2 का गैप है। यहां भी देखिए फ्रेंड्स कितने का गैप है आपका? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। यहाँ भी कितने का गैप है फ्रेंड्स? 2 का गैप है। क्लियर है? तो यानी मैं कह सकता हूँ कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 2 है। तो एक बात पे और गौर करिए, जैसे फ्रेंड देखिए 4 की पावर 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आ रहा था। यानी जब 4 की पावर 1, 3, 5 क्या है फ्रेंड्स? ऑड नंबर है। यानी 4 की पावर अगर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा आप देखते ही बता देंगे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 4। याद करने का तरीका क्या है कि फ्रेंड्स 4 की पावर ऑड का मतलब 1 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 1। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन दे दे कि 134 की पावर आपसे कोई पूछ लेता है फ्रेंड्स, कितना है? 238 या 384 ही कुछ भी दे दे एग्जांपल, और आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स यूनिट डिजिट में क्या है? यहां पे आपका 4 है, अब पावर ऑड होना चाहिए फ्रेंड्स, यानी 383 है, तो पावर ऑड है, तो आप देखते ही बता देंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर 4 की पावर इवन है, 4 की पावर क्या है? इवन है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैं जैसे कह दूँ फ्रेंड्स कि आपके पास क्या है, 224 की पावर कितना दे देता है आपसे? 132। तो ये 132 पावर इवन है। इवन कैसे जानेंगे फ्रेंड्स? ये 4 से एग्जैक्ट कट जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब आप देखते ही बता देंगे इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? तो ऐसे ही फ्रेंड्स 9 की अगर हम बात करते हैं, 9 की अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 की पावर 1 करेंगे तो फ्रेंड्स 9 ही आएगा। अगर 9 की पावर 2 करते हैं, 9 9 81 यानी 1 आएगा। ऐसे ही 9 की पावर 3 करेंगे, देखिए 9 91 9, इसी में गुणा करते चले जाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 की पावर 4 करते हैं तो फिर कितना आ जाएगा? 9 9 81 यानी 1। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1 के बाद 3 पे रिपीट हुआ और 2 के बाद 4 पे रिपीट हुआ, यानी 2 2 के गैप पे 9 1 9 1 ऐसे ही संख्या आती चली जाएंगी। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स एक बात का गौर करना है, जैसे 9 की पावर 8 है तो इसका यूनिट डिजिट देखिए आपको क्या दिख रहा है? 9 की पावर 8 1 3 8 है, तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9। यानी 9 की पावर 8 का मतलब 1 हमेशा याद रखना, इस बात का ध्यान देना। जैसे 9 की पावर देखिए फ्रेंड्स 2 है, 4 है, 9 की पावर क्या है? इवन है। अगर फ्रेंड्स 9 की पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फ्रेंड्स जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 179 की पावर कितना है? 209 में इकाई का अंक बताइए। तो 209 क्या है फ्रेंड्स? ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो आप देखते ही बता देंगे इसका मतलब 9 की पावर 1 हो जाएगा, यानी 9। आप देखते ही बता देंगे सर 9 आंसर होगा। जैसे मैं कह देता हूं कि फ्रेंड्स मान लीजिए यही क्वेश्चन है, 179 की पावर आपको 208 दे देता है, तो ये क्या है? एक इवेन है। क्या है? इवेन है, तो आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे 1। क्या बता देंगे? देखते ही 1 बता देंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इससे आप डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है? कर लेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। क्लियर है? थोड़ा इसे मुझे भी अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स साइक्लिसिटी 4 की, यानी किन किन संख्याओं की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो अगर हम बात करें तो साइक्लिसिटी 4 देखिए फ्रेंड, जैसे मैं 2 की पावर 1 किया तो 2 की पावर 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 2। अगर मैं 2 की पावर 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स 2 की पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही फ्रेंड्स 2 की पावर 4 करेंगे 8 दूनी 16 मतलब 6। ऐसे ही फ्रेंड्स 2 की पावर 5 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे?
छः दूनी 12, 12 का फिर कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 6 है फिर 2 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स 2 की पावर 7 है फिर 2 से गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, फिर 2 की पावर 8 है 2 से गुणा कर देंगे 8 दूनी 16 यानी 6। यानी इसी में फ्रेंड्स दो दो से मल्टीप्लाई में करते हुए चले जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे बार बार पावर 6 7 8 करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स एक था, एक के बाद कब रिपीट हुआ 5, यानी कितने का गैप हुआ 4 का। तो सेम कंडीशन यही फ्रेंड्स 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, 7 में भी होगा और 8 में भी होगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स 2 पे था, 2 के बाद 6 पे रिपीट हुआ, यानी मेरा कहने का मतलब 3 है, 3 के बाद 7 पे, यानी यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी क्या है 4 है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यही रीजन है कि अब जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन कोई दे देता है 2 की पावर 18 में यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या करते हैं, इस यही रीजन है कि हम 4 से भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? 4 से भाग लगाते हैं, इन संख्याओं की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो यही रीजन है कि हम 4 से भाग करते हैं और शेष निकालते हैं। 18 में 4 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, यानी जो शेष बचता है वही यूनिट डिजिट की पावर हो जाती है। 2 दूनी 4 यानी इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि पावर यानी कोई भी संख्या दिया गया है पावर में, यानी ये जो पावर दिया रहता है घात, उसमें हम 4 का क्या लगाते हैं भाग, क्या लगाते हैं फ्रेंड्स 4 का भाग लगाते हैं। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर रिमाइंडर 1 बचता है, रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो आप ध्यान दीजिएगा यूनिट डिजिट की पावर 1 हो जाएगी, यूनिट डिजिट की पावर 1। अगर फ्रेंड्स रिमाइंडर 2 बचता है पावर में 4 से भाग लगाने के बाद, तो अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो आप यूनिट डिजिट की पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो यूनिट डिजिट की पावर क्या कर देंगे 3। अब देखिए फ्रेंड्स रिमाइंडर 4 नहीं बचेगा, क्योंकि आपको पता है भी है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि अगर हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो जो आपका डिवीजर होता है वो कभी रिमाइंडर से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसका मतलब 3 तक रिमाइंडर बचेगा, अब 0 बचेगा तो क्या कर देंगे इकाई अंक की पावर 4। बस यही इतनी बात आपको ध्यान देना है, 0 वाले केस में 4 हो जाता है। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, आप लोग पावर यानी घात में ही 4 का भाग लगाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में सेलेक्ट किए गए हैं। सबसे पहले देखें फ्रेंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है 2137 की पावर 753 में फ्रेंड्स आपको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए, किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग करने पर वह संख्या 4 से कट जाती है। क्लियर है? और इसका यूज हम रिमाइंडर निकालने में भी करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। क्लियर है? यह भी आपको ध्यान देना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स मुझे 213 से कोई लेना देना नहीं, ये क्वेश्चन आपका कितना बचा 7 की पावर। अब देखिए 7 से भी कोई लेना देना नहीं, सिर्फ 53 बचा, कितना बचा 53। अब आप 53 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए फ्रेंड 4 एकन्नम 4 कितना, 4 एकन्नम 4 13 हुआ, 13 बच गया फ्रेंड, 13 में 4 तिहाई 12 1 बचेगा, 7 की पावर 1 मतलब कितना आ जाएगा 7। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स 81 से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 9 है, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, और ये पावर ऑड है, 7 क्या है पावर ऑड है, 2 से नहीं कटता। क्लियर है? तो ऑड के लिए हमने पावर 1 बताया था, इसका आंसर देखते ही डायरेक्ट आप लोग समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, यहाँ पे 57 से कोई लेना देना नहीं है, ये 8 की पावर 129 बचा, मुझे 1 से भी कोई लेना देना, सिर्फ 29 में 4 से भाग करिए, 4 7 28 रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, यूनिट डिजिट की पावर 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ 79 से कोई लेना देना नहीं है, आप 87 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 तो ये कट जाएगा, 4 एकन्नम 4 3 शेष बचेगा, यानी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 9 3 27, यानी आंसर कितना आ जाएगा 7 आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 95 में सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 1 बचा, 15 हुआ, 4 तिहाई 12 3 बचेगा, यानी 7 की पावर 3 बचा माइनस।
58 में 4 से भाग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, 4 एकन्नम 4, 1 बचा 18, 4 चौके 16, 16 में यानी कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी -3 की पावर 2। 7 की पावर 3 का मतलब देखिए फ्रेंड्स, 7 का 3 बार गुणा करेंगे, इस बात का ध्यान देना, 7 का कितनी बार 3 बार। 7 सता 49, 9 आ गया, 9 सते 63, यानी कितना आ जाएगा 3। तो यानी 3 - 7 का क्यूब 343 भी होता है, तो 3 लेंगे, 3 3 का 9, यानी कितना आ जाएगा -9। अब कुछ बच्चे यहाँ पे अब कन्फ्यूज हो जाएंगे, कन्फ्यूज नहीं होना। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको सब्ट्रैक्शन स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपको कैरी लेना, इसके पहले कहीं ना कहीं कुछ संख्या रही होगी, तो आप कैरी ले जाएंगे 13, 13 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 4। या फ्रेंड्स आप 4 तो आंसर हो ही हो जाएगा इस टाइप का, एक दो तरीके से कर सकते हैं, एक 3 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा -6, जब माइनस में आता हमेशा 10 ऐड कर देना है, तो भी फ्रेंड्स कितना मिल जाएगा 4, यानी 4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आज के बाद अब कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम उसी टाइप का फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा। क्लियर है, खुद से कर लेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसको हम लोग खुद से कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही बता सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 की पावर क्या बचा, 999, तो आप देखते ही बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, आपको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम देखिए फ्रेंड्स उसी टाइप का है, लेकिन इस बार कुछ इस तरीके से दिया। देखिए फ्रेंड्स, 21 से कोई लेना देना नहीं है, 81 से कोई लेना देना नहीं है, 41 से कोई लेना देना नहीं है, 34 से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के 2 डिजिट, 13 में 4 से भाग करेंगे 1 बचेगा, यानी 7 की पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट में 9 है और 9 की पावर क्या है 8 है, तो 9 की पावर 8 मतलब कितना हो जाएगा 9 ही, 9 की पावर 1 8 का मतलब मैंने कहा है 1 याद करना है, इवन का मतलब 2 याद रखना है। अब यहाँ 4 है, 4 की पावर इवन है, इवन का मतलब 2 याद रखेंगे, 4 चौके 16 यानी कितना हो जाएगा 6 इंटू। अब यहाँ पे देखिए 12 है, 12 में 4 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, 7 × 9 × 6 2 की पावर 4 करेंगे, तो 2 की पावर 4 करेंगे, 2 × 4 × 8 × 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा 6। अब देखिए फ्रेंड, 7 × 9 = 63, 63 का कितना आ जाएगा 3। मैं जो तरीका बता रहा हूँ ऐसे ही करना है, ओरल बिना पेन उठाए कर लेंगे। 7 × 9 = 63, 63 की कितना आ जाएगा 3, 3 × 6 = 18, 18 की 8, 8 × 48 = 48 का 8, यानी 8 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो सेम इसी टाइप का मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल लिया था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट से मतलब है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, और इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए आसानी से कर सकते हैं। देखिए 4 × 8 = 32, 32 का कितना आ जाएगा 2, 2 × 7 = 14, 14 का 4 लेना है, और 4 × 3 = 12, 12 का कितना जाएगा 2, यानी 2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। तो ऐसे ही फ्रेंड्स बिना पेन उठाए आपको पेपर में भी क्वेश्चन को उड़ा के आना है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अब उस टाइप क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग कर ले जाएंगे। हम बात करते हैं फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणित। देखिए फ्रेंड, फैक्टोरियल का 2 तरीके से निर्देशांक होता है, एक इस तरीके से दर्शाते हैं, एक इस तरीके से दर्शाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम फैक्टोरियल 1 की बात करते हैं कितना हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 2 की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2 × 1, यानी कितना आ जाएगा 2। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा फ्रेंड्स। फैक्टोरियल 3 की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1, यानी 3 × 2 = 6। अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, यानी कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 × 2 = 24। ऐसे ही फ्रेंड्स फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 120। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करते हैं तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 720। तो एक बात पे थोड़ा सा गौर करिए फ्रेंड्स, अगर हम फैक्टोरियल 3 के एबव जितनी भी संख्याएं देख रहा हूँ, ये भी 4 से कट रहा, ये भी 4 से कट रहा, ये भी 4 से कट रहा, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 के एबव जितनी भी संख्याएं हैं वो 4 से भाग करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 देंगी, यानी आपका क्या हो जाएगा इकाई अंक की पावर 4। जैसे मैं आपसे कह दूँ 123 है, इसकी पावर फैक्टोरियल कितना है 123, तो आप समझ जाएंगे कि आपका देखिए 12 से कोई लेना देना नहीं, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी 3 की पावर 4 का मतलब देखिए फ्रेंड्स 3 का 4 बार आप गुणा कर लेंगे, 3 का 4 बार गुणा कर लेंगे, 3 3 का
नौ, और यहाँ भी 10 त्रिक्का 9, 9 9 81, 81 का मतलब एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो यानी फैक्टोरियल 4 के एबव जितनी भी संख्याएं हैं सभी 4 से डिवाइड होंगी, इस बात का ध्यान देना है। और फ्रेंड्स एक बात पे और गौर करिएगा, फैक्टोरियल 4 के एबव जितनी संख्याएं हैं सबके यूनिट डिजिट में हमेशा आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये भी बात आपको याद रखनी है क्योंकि अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 50। अब देखिए फ्रेंड्स फैक्टोरियल 5 तक तो आपका 0 ही आएगा। अभी मैंने आपको समझाया कि फैक्टोरियल 4 के एबव जितनी भी संख्याएं हैं यूनिट डिजिट में हमेशा 0 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही आएगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही आएगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए 24 6 30, 30 मतलब 0 आ गया। तो यहाँ 0 आ गया तो कितना आ जाएगा, 2 1 3, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3। यानी 3 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने और सेलेक्ट किया है कि फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4। अब देखिए फ्रेंड्स 5 के एबव जितनी भी संख्याएं हैं, आपके पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ यूनिट डिजिट तो हमेशा 0 ही आना है। क्या आना है फ्रेंड्स? इसके एबव तो हमेशा 0 ही आएगा। तो फैक्टोरियल 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब देखिए फ्रेंड्स 2 होगा, और इसकी 2 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 4। प्लस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 6, 6 की पावर 3 करेंगे, 6 की पावर 3 करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 6 6 36 छक्का 216, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। क्लियर है? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 24, यही हो जाएगा 24, 24 की पावर कितना करेंगे, 4, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 4 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 चौके 16 16 की 6, 4 चौके 16 16 की 6, 6 छंग 36, यानी कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स इसको जोड़ देंगे तो देखिए 6 6 12 6 6 12 12 की 2, 4 2 6 6 1 कितना जाएगा, 7, यानी 7 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से आप सभी लोग एग्जाम में कर लेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।